हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट वन। इसके बाद पार्ट टू भी आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि इसी चैप्टर के बेस पे रहता है आपका प्रॉब्लम ऑन ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम। तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है आपको, दोनों पार्ट देखने हैं। और जो मेरा दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है, तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले जो भी मैं लेटेस्ट पार्ट अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। देखिए, मैथ का पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। 11 से 12 के बीच में आपकी रोज़ मैथ की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हर एक चैप्टर की दो दो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा सीरियस है तो चैनल के साथ में जुड़ करके तैयारी कर सकता है, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी पहुँचते रहे। और रात को आपका 10 बजे होता है लाइव टेस्ट, उसको जरूर ज्वाइन कर लिया करें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी पहुंचते रहे। तो इस बेल के आइकन को ऑन कर लिए, ठीक है। 10 बजे भी आपके पास नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप बेल आइकन को ऑन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे आप लाइक करते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक पहले तो बातें बता देता हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में। टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या होता है? चाल, समय और दूरी, ठीक है। एक चाल कैसे निकलती है? दूरी बटे समय। देखिए, अब अभी बस आप एक बार इनको देख लीजिए, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, आप इनका यूज करते जाएंगे, तो आपको बिल्कुल ये इजीली याद हो जाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। और दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये तीन चीज़ है, आपको एक बार देख लेनी है, ये आपके इजीली याद हो जाएगी। देखिए, सिंपल है, जो ये दूरी होती है, ठीक है, अगर इस दूरी को चाल से भाग कर दिया जाए, किससे? चाल से, यानी कि जिस स्पीड से इस दूरी को कवर किया गया, तो निकल के आ जाएगा समय, कितने समय में ये दूरी कवर की गई है। अगर इस समय से ही भाग कर दिया जाए तो क्या निकल के आ जाएगी? चाल निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस समय से ही भाग कर दिया जाए दूरी को, तो क्या निकल के आ जाएगी? चाल निकल के आ जाएगी, ठीक है। और दूरी निकालनी है, यानी कि दूरी निकालनी है, तो हमारे पास चाल होगी और समय होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो दूरी निकल के आ जाएगी। ये तो तीन छोटे बेसिक फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में स्पीड जो दी होती है किलोमीटर प्रति घंटा में दी होती है, और हमें निकालनी किस में होती है? मीटर पर सेकंड में। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 की गुणा कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए, समझने की थोड़ी कोशिश करना, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा जितना भी दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए 36 दे रखा है, ठीक है, तो 36 को बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कर दो, ठीक है। 18 × 36 और 5 × 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आ गया आपका, ठीक है। और अब बदलना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो मान लो आपका 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और उसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 10 और 18 × 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी बहुत यूज होने वाली है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूँ। सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ें बताता हूँ, बहुत सी चीज़ें बच्चों को पता होती है जो पहले पढ़ चुके होते हैं, पर मैं लेकर चलता हूँ जो जिन बच्चों के समझ में मतलब नहीं आ सकता बिल्कुल डायरेक्ट, अगर क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दिए जाए, ठीक है। तो उन्हें पहले बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलें। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल दे रखी है, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या बताता है मैंने? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 18 को भाग कर देंगे, यानी कि इसको काटेंगे, इससे कट जाएगा कितनी बार? 4 टाइम, और 5 × 4, तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये दे रखा 20 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें, तो 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो 20 की गुना 18/5 में कर देंगे, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा 20 चार बार, और 18 × 4 में करेंगे, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। देखिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। आगे चल के देखिए, क्वेश्चन नंबर 5-6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। अभी मैं आपको ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इनका यूज होगा बड़े क्वेश्चनों में, ठीक है। देखिए, एक बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें, मैं आपको देखिए इस चार्ट के थ्रू समझाऊंगा कि इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब भी हम किलोमीटर से मीटर और मतलब नीचे की ओर चलेंगे, किलोमीटर से मीटर, ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर, तो ऐसे नीचे की ओर चलेंगे, तो क्या करेंगे हम? 1000 से गुना करते हुए चलेंगे। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं,
ठीक है, तो हमने एक में 1000 की मल्टीप्लाई करी तभी तो मीटर में आ गया। तो जब भी नीचे की ओर को चलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है, जब भी ऊपर की ओर को चलेंगे तो 1000 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। एक बार और समझ लीजिए, जब भी मतलब कि किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर में चलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे हर एक स्टेप पे, ठीक है, और जब भी ऊपर की ओर को चलेंगे तो हर एक स्टेप पे सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, तो 1000 से भाग करते हुए चलते चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है आपका इस टाइम में, आवर से मिनट में, मिनट से सेकंड में चलेंगे तो 60 की मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो एक में 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो 60 मिनट बनी। तो जब भी नीचे की ओर को चलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, और जब भी ऊपर की ओर को चलेंगे तो 60 से भाग करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आप समझ में आ गया होगा, अब आगे से इसमें गलती नहीं करेंगे। अभी इसका यूज बहुत होने वाला है, आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। एक धावक 200 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ध्यान से देखिएगा, धावक की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है, जो धावक एक दूरी को 200 मीटर दूरी को 24 सेकंड में पार कर लेता है। तो आप एक चीज देखिए, जो हमारी चाल निकल के आएगी, यहां से हम चाल निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दे दी दूरी और उसकी चाल, दूरी और समय दे दिया, तो हम चाल निकाल सकते हैं क्योंकि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। और ये चाल जो निकल के आएगी ये किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारी मीटर में दे रखी है डिस्टेंस और सेकंड में दे रखी है समय, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि पूछा है उसकी चाल कितनी, कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है चाल, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए, तो देखिए 200 मीटर की दूरी है और 24 सेकंड में उसको पार कर लेता है, तो मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इससे पहले ही हम 18/5 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसे बाद में बदलना पड़ेगा। 200 को 24 से भाग करके निकल के जो भी आएगा उसको फिर हमें बदलना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में 18/5 की मल्टीप्लाई करके। तो हम ये 18/5 की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इससे हो जाएगी कैलकुलेशन ईजी, ठीक है। तो इसे जो कट सकता है उसको काट दो, जैसे 5 से इसको काटेंगे 200 को तो कितना आ जाएगा 40, और इसको काटेंगे आप 2 से तो ये कट जाएगा 9 बार और ये कट जाएगा 12 बार, ठीक है। फिर 12 को काटेंगे किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 * 3 = 9 आ जाएगा और 3 * 4 = 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट के आपका पूरा आ जाएगा यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आर, ठीक है। यहाँ पे 3 बच गया और नीचे कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे 40 से कट जाएगा 10 बार, तो ये कितना बच जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये बेसिक क्वेश्चन है, कल के पार्ट में देखने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके, तो इन चीज़ों से ही आपके अच्छे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, हार्ड क्वेश्चन होंगे, वो कवर कर पाएंगे आप। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बहुत गलती करते हैं, मैं बताऊंगा आप गलती भी क्या करते हैं, पता होते हुए भी गलती कर देते हैं। सोहन किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। तो यहाँ पे पता है क्या गलती होती है, पूछिए औसत चाल, तो दोनों को प्लस करेंगे 20 और 30 को और भाग कर देंगे 2 से और आ गई औसत चाल, और आपको ऑप्शन में भी मिलेगा 20 और 30 कितना हो गया 50, और 50 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में भी मिलेगा कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा, आप एकदम झट से लगाओगे आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जब भी आपको दे रखा है कोई डिस्टेंस है और कोई भी बंदा या फिर कोई भी आपका रेल हो या फिर आपकी कोई बस हो, ट्रेन हो, बाइक हो, वो किसी स्पीड से जाती है, ठीक है, अलग स्पीड से, और आती अलग स्पीड से है, यानी कि इधर को गई वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और आई फिर वो वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। जैसे सोहन गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, पूछा है उसकी पूरे रास्ते में एवरेज स्पीड क्या रही, आने जाने की एवरेज स्पीड क्या रही, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है, ये ट्रिक यूज करनी होती है, और ये कुछ ट्रिक नहीं है, बहुत ईजी है। एक्स और वाई की, यानी कि दो अलग अलग जो आपकी चाल होगी उनकी मल्टीप्लाई करनी है 2 में, ठीक है, 2 * 2, और अलग अलग जो एक्स और वाई हमने मान लिया दो अलग अलग चाल, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है 20 * 30 से, ठीक है, और फिर दोनों को प्लस करके भाग कर देना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बनता है आपका 100%, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना है। 2 * 20 * 30 कर लिया हमने,
और 20 और 30 को प्लस करके भाग कर देंगे तो 20 और 30 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 50, और ऊपर सबकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1200, तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 से 120 को काटेंगे 24 बार, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी एवरेज स्पीड, ना कि 25 किलोमीटर, ठीक है। तो 25 वाला आंसर गलत हो जाएगा, राइट कितना होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं बच्चे जब तक ये ट्रिक आपको ना पता हो, या फिर बहुत टाइम लगाते हैं एक्स वाई लगा के। तो ये ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सीता जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाजार जाती है तो 9 मिनट देरी से पहुँचती है, जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 7 मिनट पहले पहुँच जाती है, तो उसके घर से बाजार की दूरी क्या है। सॉरी, तो आपको क्या यूज करना है जब भी डिस्टेंस निकालनी हो। एक बार तो मैं एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। सीता जाती है अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाजार जाती है, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाजार जाती है, और फिर तो 5 मिनट की 5 मिनट से देरी में पहुँचती है, ठीक है। तो जब वो प्रति घंटा यहाँ पे 9 मिनट की देरी से पहुँचती है, जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 7 मिनट की देरी से पहुँचती है, तो उसके घर से बाजार की दूरी पूछी है। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालें डेल्टा टी एस इंटू एस टू और डिफरेंस एस वन और एस टू का। बहुत सिंपल है, अभी देखते जाओ। डेल्टा टी, अभी यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी एक तरफ लेट हो और एक तरफ जल्दी पहुँच जाए तो दोनों को प्लस कर लो। जब भी एक तरफ तो लेट हो और एक तरफ जल्दी पहुंच जाए, जैसे पहले 9 मिनट से लेट पहुंचती थी, फिर 7 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है, पहले पहुंच जाती है, तो दोनों को प्लस कर लो जब भी। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कराने वाला हूँ वो वाला, तो उसी क्वेश्चन में उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं पर यही बात करते हैं, देखिए जब भी दोनों साइड में, एक साइड में तो वो लेट हो रही है और एक साइड में वो जल्दी पहुंच जा रही है अपनी स्पीड इंक्रीज करने में, तो दोनों को प्लस करके लिख लो। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो डेल्टा टी यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये 16 क्या है, मिनट, मिनट को घंटे में बदलना है, तो मैंने क्या कहा था डिवाइड करते हुए चलेंगे, जितने ऊपर चलते चले जाएंगे, ठीक है, मिनट को घंटे में बदलना है तो डिवाइड करते हुए चलना है, तो मिनट को 60 से भाग करेंगे तो ये बन गया घंटा, ठीक है, मतलब घंटे में बदलने के लिए भाग कर देते हैं 60 से। और यहाँ पे स्पीड पहले कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3, और फिर क्या होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 से भाग कर देंगे। फिर इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का मतलब 3 और 5 को माइनस नहीं करना है, कभी आप नीचे माइनस लिख दो माइनस का 2, इनका डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अभी पूरा क्वेश्चन हमारे हाथ में आ गया है और पूरा हमने सोल्व कर लिया, समझिए बस काटना रह गया, जितनी भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वो काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 16 आ गया जो डेल्टा टी आया, दोनों को प्लस करके 9 और 7 मिनट को, जितने से एक बार वो लेट पहुँचा और एक बार जल्दी, 3 और 5 उसकी अलग अलग स्पीड है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 60 और आ जाएगा, नीचे दोनों का डिफरेंस 2, तो जितना कट सकता है काट देते हैं, ठीक है। जैसे 3 से 60 कट जाएगा 20 बार, ठीक है, 2 से कट जाएगा 16 8 टाइम, ठीक है, और फिर 5 से कट जाएगा 24 टाइम, और 4 से फिर 8 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई, ठीक है, उसके घर से बाजार तक की। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अरुण जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 12 मिनट देरी से पहुँचता है, जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 6 मिनट की देरी से पहुँचता है, तो बताओ उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी। अभी यहाँ पे क्या है, वो पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता था और 12 मिनट की देरी से पहुंचता था, उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा करी, पर अभी भी वो लेट पहुंच रहा है, पर अभी 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो यहाँ पे डेल्टा टी होगा जो, वो कैसे होगा, इन दोनों का डिफरेंस। जब भी दोनों साइड में लेट लेट हो या फिर दोनों साइड में जल्दी जल्दी पहुंच जाए, ठीक है, यानी कि दोनों साइड में, जैसे एक वो गया और वो 5 मिनट की देरी से पहुंचता था, 12 मिनट की देरी से पहुंचता था, सॉरी, ठीक है, फिर वो दोबारा, फिर अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और गया और फिर भी, फिर 6 मिनट की देरी से, तो पहुंच तो दोनों बार देरी से रहा है ना वो, तो जब भी देरी की बात हो दोनों साइड में, यानी कि दोनों टाइम पे देरी की बात हो, तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। जब एक साइड में देरी हो और फिर एक साइड में वो जल्दी पहुंच जाए, वहां पे दोनों को प्लस कर लेते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आप बिल्कुल क्वेश्चन सारे सोल्व कर लेंगे, ठीक है।
तो डेल्टा टी जो आपका यहाँ पे होगा वो 6 हो जाएगा, 12 में से माइनस 6 कर लेंगे, और जो इनकी डिस्टेंस वो जो आपकी दे रखी है स्पीड वो वही रहेगी 4, स्पीड 1 और स्पीड 2 कितनी होगी तो उसकी 5, तो स्पीड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पे भी देखा आपको ऐसे ही करना है, 6 दे रखा है मिनट में, तो इसको बदलना घंटे में तो 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। और 4, 5 का डिफरेंस ले लेंगे, कितना जाएगा 1, तो अभी जितना कट सकता है काट लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6 कट जाएगा, ये 60 10 बार कट जाएगा, ठीक है 10 टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20, नीचे यहाँ पे इनका डिफरेंस 1 आएगा, तो 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10 ही रह जाएगा, फिर 10 को इसको काटेंगे तो 2 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बताता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा बस, ठीक है, और बस आप बस लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में। 2 रेलगाड़ियों की चाल, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। 2 रेलगाड़ियों की चाल 6 और 7 के अनुपात में है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले। देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरी रेलगाड़ी की इन्होंने 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, तो यहाँ पे फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, पहली रेलगाड़ी की पूछे। दोनों रेलगाड़ी की रेशो दे दिया, ठीक है, दोनों रेलगाड़ी का रेशो दे दिया चाल का, और दूसरी रेलगाड़ी का जो वो दे दिया स्पीड भी दे दी, 4 घंटे में वो 364 किलोमीटर चलती है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल पूछी है। तो पहले तो हम दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है वो 4 घंटे में 364 चलती है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 364 डिवाइड बाई 4, तो 91 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसकी आ जाएगी, ठीक है ना भाई, क्योंकि देखिए उसकी हमें दे दी, उसने डिस्टेंस दे दी 4 घंटे में, इतनी डिस्टेंस दूरी तय करती है, तो हम उससे निकाल सकते हैं ना उसकी स्पीड, स्पीड बटे क्या होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी बटे समय। तो दूरी उसकी 364 है और समय उसका 4 घंटे में कवर कर लेती, तो 1 घंटे की आ जाएगी उसकी स्पीड, तो 91 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई। अभी एक चीज़ मुझे बताइए, 91 किलोमीटर प्रति घंटा 7 रेशो के बराबर है, ठीक है, क्योंकि दूसरी जो रेलगाड़ी है उसका रेशो कितना है चाल का, 7 है, तो 7 के बराबर 91 है, तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा, उसे मान लेंगे हम x, और इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 91 इंटू 6 आ गया, और यहाँ पे x की करेंगे 7 में, तो 7x आ गया, ठीक है। अभी इसको लेके आएंगे नीचे, यहाँ पे x आ जाएगा, तो 91 इंटू 6 और डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 से भाग करेंगे तो 13 टाइम कट जाएगा, और 13 की 6 में करेंगे तो 78 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, ठीक है। सेकंड की तो हमें मिल ही गई 91 किलोमीटर पर आवर। अभी अगर आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए, सेकंड ट्रेन की स्पीड का रेशो जो है 7 है, और सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है वो 91 किलोमीटर पर आवर है, तो 91 डिवाइड बाई 7, और चाहिए हमें किसकी 6, जो फर्स्ट ट्रेन का रेशो कितना है 6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 91 डिवाइड बाई 7 तो कितना आ जाएगा 13, और 13 की 6 में करेंगे तो तब भी तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, उसको आप देख लीजिएगा आराम से, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें आपका मैथ का पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट करा रहा हूँ धीरे धीरे, और इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, फिर नेक्स्ट आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताते रहा करें, कमेंट करते रहा करें, लाइक करते रहा करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। लाइव टेस्ट जरूर दिया करें रात के 10 बजे जो है, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।